में एवोकोडो बहुत अच्छा रहता है के लिए तो एवोकोडो का प्रयोग करो अमरूद है बहुत अच्छा है अमरूद का भी प्रयोग कर सकते हैं तो ये फल अंगूर है तो मौसम के साथ जो भी फल मिलता है उसका प्रयोग आप कर सकते हैं ध्यान रखें स्किन प्रॉब्लम में खास करके स्किन प्रॉब्लम और ये स्पोंडिलाइटिस वगैरह दर्द वगैरह में कोई चीजें बिल्कुल मत खाया करो जैसे आपके प्रोसेस फूड है कॉन्फेक्शनरी फूड है जंक फूड है नमकीन वगैरह इन सब का परित्याग करो क्योंकि ये सब दर्द को बढ़ाने वाला होते हैं किसने बढ़ाते हैं तो इनके जो केमिकल होते हैं इसमें जो अलग अलग प्रकार के प्रिजर्वेटिव के रूप में जितने भी सिंथेटिक फूड है कलरेंट के रूप में फ्लेवर्ड के रूप में बहुत सारे केमिकल मिलाए जाते हैं एक दिन हम गिन रहे थे तो ग्यारह सौ केमिकल आज हमारे जीवन के संपर्क में हमारे संपर्क में है जो अलग अलग रूपों में रूपों में मिला जाता है जितने प्रोसेसिंग फूड प्रोसेस फूड से गुजारा जाता है आज किडनी रोग बढ़ रहा है क्यों बढ़ रहा है इसी सब प्रकार के आहार लेने से आज स्किन डिजीज बढ़ रहा है हार्ट डिजीज बढ़ रहा है इस प्रकार के आहार लेने से और उसमें जो है अनेक रूपों में उन सारी चीजों को जो है मिलाया जाता है केमिकल के रूप में और वो शरीर के लिए अनुकूल नहीं पड़ते हैं क्योंकि शरीर हमारा केमिकल हाउस है लेकिन वो परमात्मा की लेबोरेटरी का बना हुआ केमिकल हाउस है आदमी का बनाया हुआ नहीं है तो प्रकृति के बने हुए लेबोरेटरी का ही केमिकल हमारे शरीर के लिए उपयोगी होगा वो काहे से मिलता है फल और सब्जियों से अंकुरित धान्य से इन का प्रयोग करो अभी किडनी किडनी के विषय में तो बहुत लंबा चौड़ा चलो थोड़ी सी चर्चा कर देते हैं। देखो किडनी क्योंकि आज हमारे पास किडनी के रोगी सर्वाधिक आ रहे हैं रोज मेरे पास छः तो ऐसे रोगी आ ही जाते हैं जिनकी किडनी डैमेज हो चुका है और किडनी रोग को ठीक करना बहुत बड़ी बिगेस्ट प्रॉब्लम है क्योंकि मेडिकल साइंस में तो किडनी को खराब कर देते हैं तो उसका जो है ना खराब हो जाता है तो एक मात्र रास्ता बताते हैं कि भाई किडनी को ट्रांसप्लांट कराओ दूसरा किडनी लगाओ और वो किडनी लाखों रुपए की मिलती है आम आदमी तो मुश्किल है उसे जो है कर पाना तो इसलिए हमारा नारा है सुनो बहुत ध्यान से और किडनी इसमें सबसे ज्यादा खराब हो रहा है किडनी लीवर भयंकर रूप से खराब हो रहे हैं इस प्रकार के रोगी इतने आते हैं रोज तो मेरा नारा है सेव योर किडनी सेव योर लीवर अपने किडनी को बचाओ अपने लीवर को बचाओ तो किडनी को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि शुरू से ही हम ध्यान रखें देखो कुछ चीज़ें हैं जो किडनी के लिए बहुत उपयोगी होती हैं लेकिन किडनी खराब हो जाता है तो फिर वही चीज़ें जो किडनी के लिए बहुत उपयोगी होती हैं किडनी के लिए वही चीज़ शत्रु बन जाता है वही चीज़ बीस बन जाता है जैसे संतरा है बहुत अच्छा रहता है किडनी के लिए नींबू है बहुत अच्छा रहता है किडनी के लिए केला है बहुत अच्छा रहता है फालसा है ये कुछ फल हैं जो हमारे हिंदुस्तान में अमरूद है आंवला है ये सब किडनी के लिए बहुत अच्छे होते हैं लेकिन किडनी में गड़बड़ी हो गई क्रिटिनाइन बढ़ा हुआ है यूरिया बढ़ा हुआ है यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है यूरिन में क्रिटेनाइन का जो है संख्या बढ़ी हुई है तो फिर ये सारे फल सब्जियां जहर का काम करते हैं फिर उसमें देना देखना पड़ता है कि भाई आपके क्या हाल है ब्लड केमिस्ट्री की क्योंकि देखो किडनी ऐसा बुद्धिमान यंत्र है आदमी से भी ज्यादा बुद्धिमता उसके अंदर है क्योंकि किडनी इतने सारे काम करता है इतने सारे काम करता है खून के निर्माण में सहभागी होता है विशेष प्रकार के ऐसे एंजाइम को सिक्रेट करता है जो खून के निर्माण में जो ना सहायता करते हैं ऐसे हार्मोन पैदा करता है आपके विटामिन डी के निर्माण में सहायता करता है विटामिन डी को बनाता है हमारे शरीर में कितना पानी रहना चाहिए उस पानी को जो है ना संतुलन बनाए रखता है होम्योस्टेसिस अवस्था मिनरल्स किस प्रकार से हमने हमारे शरीर में इलेक्ट्रोलाइट जो है मैग्नीशियम है सोडियम है पोटेशियम है कैल्शियम है इन सब का नियमन करता है यदि सही ढंग से नहीं रहे तो हमारे शरीर का होम्योटेस्टेसिस जो है ना अस्त व्यस्त हो जाता है हम बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाते हैं ये सारा काम कौन करता है किडनी करता है किडनी में हर एक व्यक्ति के पास दो दो किडनी होता है और प्रत्येक किडनी में दस लाख से लेकर के बारह पंद्रह लाख तक छानने वाले यंत्र होते हैं जिसको नेफ्रॉन बोलते हैं प्रत्येक किडनी में मिनिमम दस लाख से पंद्रह लाख के बीच में कितना जबरदस्त माइक्रो बड़े सूक्ष्म अति संवेदनशील ये यंत्र हैं जो हर चीज का नियमन करते हैं प्रबंधन करते हैं और इसमें भी दो प्रकार के छानने वाले यंत्र हैं जिसको बोलते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन और दूसरे को बोलते हैं मेडुलर नेफ्रॉन मेडुलर जुष्टा नेफ्रॉन अधिकांश काम छानने का काम जो करता है हमारा कॉटिकल नेफ्रॉन करता है तो कॉर्टिकल नेफ्रॉन जो माइक्रो जो सूक्ष्म तत्व होते हैं जैसे पानी हो गया कार्बोहाइड्रेट हो गया फैट उसको जो है छान लेता है ग्लूकोज तीन सब को छान करके लेकिन दूसरे तल पर क्योंकि एक तल पर नहीं सही यह छाना जाता है दो तल पर छाना जाता है किडनी के द्वारा एक छाना जाता है आपके कॉर्टिकल नेफ्रॉन के द्वारा उसमें कई यंत्र भाग लेते हैं एक दो भाग भाग नहीं लेते हैं कितने सारे यंत्र जिसमें ग्लोमल नेफ्रॉन है आपके जो है मालपीगियन बॉडी है उसमें एक से भर कर एक और ये सब जो ना मिलकर के जो है बहुत सूक्ष्मता के साथ पहले स्तर पर जो छानने का काम करते हैं फिर उसके बाद जो है जाता है आपके कॉर्टिकल नेफ्रॉन के द्वारा छाना जाता है वहां पर जो आवश्यक यानी उसमें जो कैल्शियम है सोडियम है मैग्नीशियम है इन सब को छान करके शरीर के लिए आवश्यक जो तत्व है उसको निकाल बाहर किया जाता है यानी और यानी तुरंत लौटा देता है शरीर को और अनावश्यक जो तत्व है जब भी ज़्यादा बढ़ गया है सोडियम ज्यादा बढ़ गया है मैग्नीशियम पोटेशियम उसको क्या करते हैं पेशाब के द्वारा निकाल बाहर करता है ये काम ट्यूबुलर इसको बोलते हैं आपके जो है कॉर्टिकल ट्यूबुलर द्वारा होता है और इसमें भी कई प्रकार के जो है यंत्र होते हैं एक दो प्रकार के नहीं अनेकों प्रकार के यंत्र होते हैं जो इसको छानने का दूसरे तल पर काम बड़े सूक्ष्म इतनी गहराई से जो है परमात्मा ने इस किडनी की रचना की है कि देख करके मन इतना आनंदित हो जाता है प्रसन्न हो जाता है उसमें जो है आपके कई ऐसे जो है लूप ऑफ़ हेल्ले हैं आपके जो है मैं कहा ना किसी कितने प्रकार के प्रोक्सीमल आपके कॉन्वलेटेड ट्यूबल है डिजिटल कॉन्वलेटेड ट्यूबल है उसमें जो है तो इस प्रकार से जो है अलग अलग यंत्रों के सहारे कैसिक्स है पिरामिड सेप्ट के कीप लगे हुए हैं हो जब इसकी संरचना को हम देखते हैं तो मन उस प्रभु के प्रति इतना जो है यानी इतनी माइक्रो से माइक्रो सूक्ष्म से सूक्ष्म तल पर जो है छानने का प्रयोग होता है तभी हम स्वस्थ रहते हैं और व्यर्थ की चीजों को निकाल बाहर करता है शरीर में संतुलन कैसे बना रहे हमारा पीएच संतुलन बना रहे हमारा खून का पीएच हमेशा उतना ही रहे ये कौन नियंत्रण करता है ये हमारा किडनी नियंत्रण करता है कितना शरीर को पानी चाहिए इसका नियंत्रण और ये 24 घंटे में यानी एक मिनट में कम से कम 125 से लेकर के 130 मिलीलीटर खून को छानता है 24 घंटे में 200 लीटर खून को छानता है कितना लीटर 200 लीटर इतना बड़ा काम करने वाला ये हमारा किडनी और उस पर हम इतना दबाव डालते हैं सबसे ज्यादा खतरनाक प्रभाव आप लोगों के खान पान का कहाँ पड़ता है किडनी होगा ये जो अचरा कचरा हम खाते हैं ना प्रोसेस फूड कॉन्फेक्शनरी फूड जंक फूड फास्ट फूड ये बर्गर ये पिज्जा ये हॉट डॉग ये नूडल्स ये क्या करते हैं इनमें जो केमिकल हैं अनेकों प्रकार के उस केमिकल को छान छान करके बेचारा क्या होता है उसके बड़े सूक्ष्म में बहुत माइक्रो से माइक्रो जो सूक्ष्म जो उसके फिल्टर करने वाले जो तत्व हैं उसको क्या करते हैं वो नष्ट कर देते हैं खत्म कर देते हैं फिर शुरू होता है सिलसिला सबसे खतरनाक यदि होता है हमारे किडनी के लिए वह है अधिक मात्रा में सोडियम का प्रयोग अधिक मात्रा में फास्ट फूड जंक फूड का प्रयोग तो इसलिए इस किडनी को बचाओ तो किडनी को जिनके किडनी खराब नहीं हुए हैं सुन लो मेरी बात किडनी खराब करने में रोगों में सबसे प्रमुख रोग है ब्लड प्रेशर हाई ब्लड प्रेशर जिसको हाई ब्लड प्रेशर होगा उसको किडनी खराब होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है हार्ट डिजीज है उसको किडनी संभावना बढ़ जाती है लिवर रोग है बहुत सारी बीमारियां जो किडनी रोग को बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। इसलिए किडनी को जो है ना हमने नारा है सेव योर किडनी किडनी को बचाओ सेव योर हार्ट ये हमने हर जगह मैं यहां भी बाहर भी जाता हूं तो वहां मैं यही नारा देता हूं कि सेव योर हार्ट सेव योर किडनी सेव योर लंग्स ताकि इस, इस किडनी पर दबाव ना पड़े तो खाने में कुछ किडनी के लिए बहुत अच्छे मित्र हैं कुछ है। तो उसमें हमने बताया कि जितने भी साइटस फ्रूट है नारियल का पानी है लेकिन ध्यान रखना जिनके किडनी खराब है उनके लिए जहर का काम करेगा उनके लिए नहीं है नारियल का पानी उनके लिए नहीं है केला हाँ जिनको ब्लड प्रेशर है उनके लिए केला सबसे बढ़िया औषधि है रोज सुबह शाम दो दो तीन तीन केला खाओ तो आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में बहुत सहायता मिलती है क्योंकि उसमें पोटेशियम तत्व होता है जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है नियंत्रित करता है लेकिन किडनी बीमारी हो गई है तो वही पोटेशियम किडनी के लिए खतरनाक बन जाता है इपर हो जाता है यह सारी समझ हमें होनी चाहिए इसलिए ध्यान रखना कि किडनी वाले रोगी को केला हम नहीं दे पाते हैं इसी प्रकार संतरा है मौसमी है जितने भी साइट्रस फ्रूट हैं बहुत अच्छे होते हैं किसके लिए ब्लड प्रेशर वाले रोगी के लिए लेकिन किडनी वाले रोगी को नहीं दे सकते इन सारी बातों का बहुत ध्यान रखा जाता है किडनी के रोगियों के लिए क्योंकि उनकी छानने का यंत्र खराब हो चुका है तो ब्लड केमिस्ट्री भी गड़बड़ हो जाता है क्योंकि खून बनाने वाला जो किडनी का जो महत्वपूर्ण हिस्सा है वो क्या हो गया डैमेज हो चुका है तो खून की प्राय ऐसे रोगियों को जिनको किडनी प्रॉब्लम होता है क्या होता है हीमोग्लोबिन कम होता है उनके अंदर जो है कैल्शियम की गड़बड़ी हो जाती है बढ़ जाता है क्या बढ़ता है पोटेशियम बढ़ जाता है सोडियम बढ़ जाता है आयरन कम हो जाता है कैल्शियम कम हो जाता है हड्डियाँ कम जो क्योंकि विटामिन डी अब बनाने का काम तो अपना किडनी कर रहा था बेचारा वो जो है किडनी डैमेज हो रहा है तो विटामिन डी भी नहीं बनता तो कैल्शियम का उपयोग शरीर कर नहीं पाता अच्छी तरह से नहीं हो पाता है एसिमुलेट नहीं कर पाता है तो इस प्रकार से जो कैल्शियम सोडियम पोटेशियम आयरन ये सब अस्त व्यस्त हो जाते हैं तो इसलिए जो है ध्यान रखो किडनी रोग होने ही मत दो सेव योर किडनी स्वस्थ हो तो उस अवस्था में फल सब्जियों का प्रयोग ज्यादा करो ताकि किडनी के ऊपर दबाव कम से कम पड़े रोज अब देख लो स्वस्थ हो तो रोज कम से कम 10 से 12 गिलास पानी अवश्य पिया करो रोज लेकिन किडनी रोग हो जाए तो कभी नहीं पी सकते इतना पानी किडनी रोग होने पर बहुत पियो तो एक से डेढ़ लीटर दो लीटर तक पानी पी सकते उससे ज्यादा नहीं पी सकते तो ये सारी चीजें ध्यान रखना चाहिए स्वस्थ किडनी को रखना है तो रोज पानी पीना है नींबू पानी पीना है किडनी वाले रोगी को नहीं दे सकते हैं तो इन सारी बातों को हमें ध्यान में रखेंगे किडनी को बचाने का प्रयोग करेंगे ट्रीटमेंट में कुछ ट्रीटमेंट बहुत उपयोगी कल एक सज्जन आए मेरे पास उनको किडनी का हमने थोड़ा सा किडनी का चेंज किया वो है कि नहीं है पता नहीं यहाँ पर है कि नहीं है कहाँ पर है कौन है वो देखो हाथ उठ रहा है थोड़ा सा हमने ट्रीटमेंट मेरे पास आए ट्रीटमेंट का हमने चेंज किया फिर उन्होंने रिपोर्ट जा करके बाहर करवा करके लाए और बहुत शानदार रिपोर्ट मिला बहुत शानदार रिपोर्ट ट्रीटमेंट में भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि किस प्रकार से हमें थोड़ा इधर से उधर आप लोग समझते हो कि खूब सारा ट्रीटमेंट लिए जाओ खूब ठीक हो जाओ ऐसा नहीं होता है ट्रीटमेंट सही होना चाहिए छोटा सही ट्रीटमेंट क्यों ना हो तो उस ट्रीटमेंट का लाभ बहुत ज्यादा होता है अधिक होता है तो इसे जो है ध्यान में रखना है धन्यवाद नमस्कार ओम